तर आपण बघतोय इथे एक दृश्य, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इथे दाखल झालेले आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केव्हा येणार त्यांची खरतर सगळेजण आतुरतेने वाट बघत होते आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दाखल झालेले आहेत मंदिरामध्ये, काही क्षणांमध्ये ते पोहोचतील आणि त्यानंतर मुख्य मुहूर्त जो आहे तो गाठला जाईल। याच मुख्य मुहूर्तावरती रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे। ही थेट दृश्य आपण बघतोय अयोध्या मधून। गेली असंख्य वर्ष ज्या क्षणाची सगळेच रामभक्त आतुरतेने वाट बघत होते तो क्षण आता अवघ्या काही क्षणांवर येऊन ठेपलाय असं म्हणूया, कारण हे दृश्य आपण बघतोय थेट अयोध्या नगरीमधली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता मंदिरामध्ये जाताना आपल्याला दिसत आहेत आणि 12:29:08 असा हा मुहूर्त आहे आणि या क्षणी या अभिजित मुहूर्तावरती रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे। ही थेट दृश्य आहेत, अत्यंत कडेकोट अशी सुरक्षा व्यवस्था, चोख असा बंदोबस्त, त्यामध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता याच मंदिरामध्ये जाताना दिसत आहेत। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रामलल्लाच्या मूर्तीला अभिषेक सुद्धा करणार आहेत। तर ही थेट दृश्य आपण बघतोय मंदिर परिसरामधली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अयोध्येत मंदिरामध्ये दाखल झालेले आहेत। 12:29:08 मुहूर्त आहे रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा आणि पुढच्या 46:86 खरं तर हा मुहूर्त असणार आहे। या 86 सेकंदामध्ये पुढे रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे। अवघी अयोध्या नगरी आणि जगभरामधले, देशभरामधले जे भक्तगण आहेत ते आतुरतेने या सगळ्याची वाट बघताना दिसत आहेत। आपण बघतो ही थेट दृश्य अयोध्येमधली श्रीरामाची, त्याच रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे आणि तो अत्यंत उत्कट असा, अत्यंत हवा हवासा वाटणारा असा हा क्षण, ज्या क्षणाची जगभरामधले राम भक्त अत्यंत आतुरतेने वाट बघतायत तो क्षण आता आपण बघणार आहोत पुढारी न्यूज वरती। ही थेट दृश्य अयोध्येमधली आपण बघतोय, बाहेर 7,000 ते 8,000 अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामधल्या सगळ्या दिग्गजांची मांदियाळी बघायला मिळते आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मंदिरामध्ये पोहोचलेले आहेत, गर्भगृहापर्यंत ते जातील आणि याच मंदिराच्या गर्भगृहामध्ये रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाईल। याच क्षणाची सगळेजण खरं तर अत्यंत आतुरतेनं वाट बघताना दिसत आहेत। रंगमंडप याला म्हटलं गेलेलं आहे, या मंदिराच्या रंगमंडपामध्ये नरेंद्र मोदी दाखल झालेले आहेत। मंदिराच्या आतमधली ही थेट एक्सक्लुसिव्ह दृश्य आपण बघतोय। वेगवेगळे मंडप आहेत खरं तर या मंदिराला, वेगवेगळ्या जी दालनं आहेत त्याला सुद्धा नावं देण्यात आलेली आहेत। डॉक्टर मोहनराव भागवत, उत्तर प्रदेशचे माननीय मुख्यमंत्री। तर अयोध्येमधल्या राम मंदिराच्या आतमधली ही सगळी थेट दृश्य आपण बघतोय। तर सगळे महत्वाचे लोक सुद्धा या सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्याला रंगमंडपाच्या इथून पुढे प्रवेश करताना दिसत आहेत। वेगवेगळे मंडप ओलांडत आता ते मंदिराच्या गर्भगृहापर्यंत जाणार आहेत आणि याच गर्भगृहामध्ये रामलल्लाची बाल अवस्थेमधली मूर्ती आहे जिची ते विधिवत अशी पूजा करतील आणि त्यानंतर जो मुहूर्त ठरवून देण्यात आलाय त्या मुहूर्तावरती रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठापना केली जाईल। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है, चांदी के छत्र गर्भगृह में लिए गोविंद देव भगवान श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, आपण बघतोय एक एक पाऊल पुढे टाकत आणि मंदिरामध्ये जे वेगवेगळी दालनं आहेत, वेगवेगळे मंडप आहेत, या सगळ्याला पार करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गर्भगृहामध्ये पोहोचताना दिसतात। काही बाहेरची दृश्य आपण बघतो आहोत तर काही मंदिराच्या आतमधली दृश्य आपल्या समोर येतात। आतमध्ये सुद्धा काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना बोलवण्यात आले आहे आणि देशभरामधली 11 दाम्पत्य जी आहे ती पूजा करणार आहेत, विधिवत पूजा करण्याचा मान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत करण्याचा हा मान त्यांना मिळाला आहे। तर अवघ्या काही क्षण, जसजसा क्षण पुढे जातोय, जसजसा वेळ पुढे जातोय, तसजसा मुहूर्त आता जवळ येताना दिसतोय आणि याच मुहूर्तावरती आता रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे।
अयोध्येमध्ये उपस्थित असणाऱ्या सगळ्या रामभक्तांसाठी आणि जी जी माणसं जगभरामधली हा सगळा सोहळा वेगवेगळ्या माध्यमातून म्हणजे पुढारी न्यूजच्या माध्यमातून आपण हा थेट सोहळा पोहोचवतोय, हे थेट सगळं कव्हरेज पोहोचवतोय. मात्र जे कोणी आपल्या मोबाईल फोनवरती टेलिव्हिजनवरती हा सगळा सोहळा अनुभवत असतील त्या सगळ्यांना या देशातल्या एका ऐतिहासिक अशा सोहळ्याचं साक्षीदार होण्याची ही अनुभूती नक्कीच मिळेल अशी सुद्धा प्रतिक्रिया येताना दिसते. तर आपण बघतोय गर्भगृहामध्ये हे वेगवेगळे विधी आणि ह्या पूजा अर्चनांना सुरुवात झालेली आहे. तर हे विधी नेमके काय असतील ते सुद्धा आपण जाणून घेऊयात. खर तर जो मुहूर्त आहे तो आहे 12:29:08 शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है. माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है. और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृणवंतो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः का. यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें. आज इतिहास लिखा जा रहा है. सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं. ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है. और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने. अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा, इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं. आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जा करके अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है. और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं. वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं. इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था. और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में. अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण. वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से. आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष, प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण. उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का, अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है. ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे. और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज
हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में, सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है हनुमान, जो कि महाराजा धीराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में, आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है, और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी, ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी तरी थेट दृश्य आहेत अयोध्येमधल्या राम मंदिराच्या आतमधली, कारण हळूहळू एक एक विधी पूर्णत्वास जाताना दिसतोय, आणि रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्याचा जो मुहूर्त आहे तो आता अगदी काही क्षणांपर्यंत येऊन ठेपलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हे दोघे सुद्धा आता उपस्थित आहेत, आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा विधी पार पडतोय. प्राणप्रतिष्ठेच्या मुहूर्ताच्या आधीचे हे काही विधी जे आहेत ते पार पडताना आपण बघतो आहोत. 84 सेकंदाचा मुहूर्त असणार आहे, ज्या वेळेमध्ये हा प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा
संपन्न होणार आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणचे वेगवेगळे आध्यात्मिक महंत संत हे सगळे सध्या उपस्थित आहेत. काही धार्मिक गुरु आहेत, आध्यात्मिक गुरु आहेत, हे सगळे सध्या मंदिरामध्ये उपस्थित असलेले आपण बघतोय. तर रामलल्लाच्या मूर्तीचा अभिषेक सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार आहे, मात्र त्याआधीचे हे काही विधी आता उरकले जात आहेत. इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है. आज मध्यान्ह में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी. ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है. मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है. और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है. इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है. आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है. इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है. आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात या बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है. तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो जो अब जो प्रण है भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिष्ठापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी. तर आपण बघतोय की प्राणप्रतिष्ठेच्या या सोहळ्याची माहिती आपण जाणून घेत होतो. मुहूर्तासाठी प्रत्यक्षामध्ये 84 सेकंदाचा हा शुभ मुहूर्त मानला जातोय. अभिजित मुहूर्त असं त्याला म्हटलं गेलेलं आहे आणि राजयोग सुद्धा आहे अशी सुद्धा माहिती मिळते. राम मंदिराच्या रामलल्लाच्या या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी उपस्थित राहणं हा आपल्यासाठी अलौकिक असा क्षण आहे अशी ही प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली आहे. संपूर्ण जगभरामधले जितके रामभक्त असतील त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मला या राम मंदिराच्या कार्यक्रमासाठी, या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहता येत आहे, हे माझं सौभाग्य आहे असं सुद्धा मोदी म्हणताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता ती जी घटिका आहे, तो जो क्षण आहे, तो अत्यंत देखणा असा क्षण अनुभवण्याचा प्रयत्न खरं तर सगळेच करताना दिसतील. 84 सेकंदाचा एकूणच हा वेळ असेल. 12:29:08 तिथपासून 12:30:32 इतक्या या 84 सेकंदाच्या वेळामध्ये हा मुहूर्त असणार आहे आणि रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे. तर सध्या आपण बघतोय गर्भगृहामध्ये उपस्थित असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्यासोबतच सरसंघचालक मोहन भागवत हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यासोबतच आणखी 11 दाम्पत्य सुद्धा इथे आहेत ज्यांच्या हस्ते रामलल्लाची पूजा केली जाईल, त्याला अभिषेक सुद्धा घातला जाईल. या प्राणप्रतिष्ठेच्या आधी होणाऱ्या हे जे काही पूजा अर्चा आहे, जे काही महत्वाचे विधी आहेत ते आपण बघतोय. गेल्या अनेक दिवसांपासून अशा पद्धतीचे वेगवेगळे विधी इथे सुरूच होते आणि आता सुद्धा हे काही महत्वाचे विधी इथे पार पडताना दिसतात. तर वेगवेगळ्या ठिकाणचे आचार्य, धर्मगुरु, संत महंत सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, जे ही पूजा सांगताना दिसता आहेत आणि त्या पद्धतीने पुढची प्रक्रिया पार पडते, पुढचे विधी पार पडताना दिसतात. काशीचे प्रसिद्ध वैदिक आचार्य गणेश्वर द्रविड आणि आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित या दोघांच्याही मार्गदर्शनाखाली एकूणच ही संपूर्ण जी पूजा असणार आहे, हे विधी असतील, हा सगळा आध्यात्मिक सोहळा जो असेल तो पार पडताना दिसेल. साधारणतः 121 असे वैदिक आचार्य असतील. जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे. बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रक्त है वो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए. और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है. और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने मेला के साथ में जो रामलला के साथ देख रहे हैं, सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं. आप देखिए कि जो मूर्ति कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और प्राचीन मित्रों के साथ समझ बैठ करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगत के कल्याण की कामना करने के संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को भारतीयता को सनातन शांति और सद्भाव के प्रसार के लिए जो ये सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में और उन्होंने कहा यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के यात्रा के प्रसार में गुजरात के समन्वय की भूमिका में रहा तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया उस भ्रमण के दौरान दौरा भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही क्षेत्र से अधिक गाँव में का कुशल संचालन किया समन्वय किया सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के साथ देखे तो एक वीरव्रति के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीरव्रति के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे अंशदान किया और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उसका पुनरागमन आज I'm sorry.
अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। Thank you.